गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन लेसन सेवन फाइल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू विंडोज से इन दिस चैप्टर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग अ फाइल आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सेव अ फाइल्स इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि फाइल को सेव करना कितना इंपॉर्टेंस है क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है सेविंग अ फाइल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और फाइल को कैसे सेव करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे आप ओके okay? स्टार्ट करते हैं फाइल मैनेजमेंट यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स कीपिंग ऑल देयर इम्पॉर्टेंस डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट फाइल्स आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अपने घर की इंपॉर्टेंस फाइल्स के पेपर्स को एक फाइल में रखते हैं अलग अलग फाइल्स में दे मे हैव अ फाइल टू कीप योर स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स another file फाइल टू कीप water एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपने देखा होगा कि वो उस फाइल में आपके रिपोर्ट कार्ड को भी रखते हैं फी कार्ड को भी रखते हैं एंड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी रखते हैं इफ़ दे डू नॉट डू सो दे मे लूज सम ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो वो कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं दे मे नाट फाइंड देम वैन दे नीड इट लेटर और वो जब उनको ज़रूरत होगी तो वो दोबारा उसको नहीं पा सकते हैं सिमिलरली यू मस्ट ऑल्सो सेव ऑल द वर्क डू यू डू ऑन द कम्प्यूटर वैसे ही आप भी अपने जो भी वर्क आप कंप्यूटर पर करते हैं उसको सारे वर्क को आप सेव करते हैं ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकें ओके वॉट इज़ अ फाइल फ़ाइल क्या होता है यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस चैप्टर हाउ टू सेव अ ड्राॅइंग आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे हम ड्राॅइंग सेव करते हैं इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न हाउ टू सेव योर वर्क इन द नोट पैड प्रोग्राम और आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि नोट पैड प्रोग्राम में आप अपने वर्क को कैसे सेव करते हैं द वर्क दैट यू डू इन एनी कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेव्ड एज ए फाइल आपका जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं जो भी आप चाहे ड्राइंग करें चाहे आप टाइपिंग करें तो वो एक फ़ाइल में आप उस प्रोग्राम को उस प्रोग्राम uh, के थ्रू आप उसको एक फ़ाइल में सेव करते हैं अ फाइल कैन बी अ पिक्चर यू हैव ड्रॉन एन इमेज विच यू हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट और ए पोएम विच यू हैव टाइप्ड आपकी फ़ाइल में आपका जो आपने ड्राइंग बनाई है वो भी हो सकता है आपने कोई पिक्चर डाउनलोड की है इंटरनेट से वो भी हो सकता है और आपने अगर कोई पोएम या कोई स्टोरी आपने टाइप की है वो भी आपका हो सकता है फाइल में दे आर ऑल सेव्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स में ये सेव होते हैं दस अ फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ़ डेटा स्टोर इन फॉर्म ऑफ टेक्स पिक्चर वीडियो और म्यूजिक फाइल क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है किसके फॉर्म में टेक्स के फॉर्म में पिक्चर्स के फॉर्म में वीडियोस के फॉर्म में या म्यूजिक के फॉर्म में ओके फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन फॉर्म ऑफ टेक्स पिक्चर्स वीडियोस और म्यूजिक द फाइल मे बी सेव्ड ऑन द कंप्यूटर डायरेक्टली इन द हार्ड डिस्क च इज़ इन साइड द सी पी यू बा और इन समोरेज डिवाइस आउटसाइड इट लाइक अ सी डी डी आर पिन ड्राइव आपका जो फाइल होता है वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है डायरेक्टली चाहे वो हार्ड डिस्क में हो सकता है सेव जो कि आपका सीपीयू में ही होता है या फिर आप उसको कुछ स्टोरेज डिवाइस में आप उसको सेव कर सकते हैं जो कि आपकी सी डी डी वी ड्राइव होता है ओके okay. ये देखिए आपका ये सी डी डी वी डी है ये आपका पेन ड्राइव ये भी स्टोरेज आपका डिवाइस है जिसमें आप फाइल को सेव कर सकते हैं एवरी फाइल मस्ट हैव अ नेम हर फाइल का एक नेम होना ज़रूरी है इफ़ देयर इज़ नो नेम गिवेन टू अ फाइल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड इट अगर आपने अपने फाइल का नेम नहीं रखा है तो आपको उसको फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है वेन यू सेव अ फाइल यू मस्ट सेलेक्ट द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू सेव इट एंड गिव अटेबल नेम टू इट आप जब भी अपनी फाइल को सेव करें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि किस प्लेस में आप उसको सेव कर रहे हैं और उसका एक सुटेबल नेम भी रखें इन योर कंप्यूटर यू विल आल्सो फाइंड एन आईकन अ स्मॉल पिक्चर एसोसिएट विथ ई फाइल दैट यू सेव आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में एक आइकन भी होगा जो कि स्मॉल पिक्चर कहते हैं जिसको और वो फाइल से क्या होता है एसोसिएट विथ ईच फाइल दैट यू सेव जो आपने फाइल सेव किया है उससे वो एसोसिएट होता है लुक एट एग्जाम्पल गिवेन बिलो देखिए नीचे यहाँ पे ये आपका क्या है आइकन ऑफ अ नोट पैड फाइल ये नोट पैड की फाइल्स का है आइकन ऑफ अ वर्ड फाइल वर्ड की फाइल का है आइकन ऑफ अ पेंट फाइल फाइल का है ओके okay? तो आपने तो आपने ये देखा कि अगर आपने कोई पिक्चर सेव करी है अगर आपने वो पेंट में बनाई है तो वो फाइल जहाँ पे फाइल पेंट होगा वहां पे सेव होगा अगर आपने वर्ड में कोई चीज लिखी है तो वर्ड फाइल में सेव होगी अगर नोट में लिखा है तो नोट में वो सेव होगा एंड देन यू कैन सी द आइकन एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फाइल आप इस आइकन को देख करके आप पहचान सकते हैं कि मेरी ड्राॅइंग की फाइल है मेरी वर्ड की फाइल है या मेरी नोट की फाइल है ओके okay?